नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सर्व। लगातार तेजस्वी यादव आज आक्रामक मूड में है। गोपालगंज मामले को लेकर वो आज गोपालगंज कूच करने वाले थे, लेकिन तमाम परेशानियां उनके सामने खड़ी हो गई। तमाम जो पुलिस बल है वो तैनात हो गए, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद अब उन्हें इजाज़त दी गई है, विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की इजाज़त मिली है। 9 लोगों को, सिर्फ 9 लोग जा सकते हैं, 5 गाड़ी जाएगी। इसमें 9 लोग जिसमें तेजस्वी यादव शामिल होंगे, तमाम कुछ और भी नेता शामिल होंगे। तेजस्वी यादव अब विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, और भी कई उनके जो करीबी नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी हैं, और भी लोग हैं। तो तेजस्वी यादव अब मिलने जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष से। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है सुबह से इन्हें। लगातार ये कहा जा रहा था कि ये गोपालगंज जाएंगे। तमाम विधायकों को बुला लिया गया था, लेकिन विधायक सब इकट्ठा हो गए थे, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ पर तमाम जो पुलिस बल है वो पहले से मौजूद थे, इन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन अब काफ़ी मशक्क़त के बाद इन्हें विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की इजाज़त मिल गई है। कुल 9 लोग ही मिल पाएंगे, ये भी एक शर्त रखा गया है। 9 लोग ही मिल सकते हैं तेजस्वी यादव के साथ, और भी कुछ लोग जाएंगे जो कुल 9 लोग होंगे। तो ये सब विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे, वहाँ पर बातचीत करेंगे। गोपालगंज मामले को लेकर लगातार जो प्रदर्शन है पार्टी के तरफ से, विपक्ष के तरफ से, वह जारी है। तमाम नेता सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। ऐसे में अमरेंद्र कुमार पांडे, जो कि गोपालगंज के कुचायकोट से विधायक हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर बार बार सवाल उठाया जा रहा था। और तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, या राजद के तमाम जो नेता हो, वो सब चाह रहे थे कि वो अब गोपालगंज कूच करें। लेकिन इसी आज सुबह से ही यहाँ पर पुलिस बल का जमावड़ा हो गया, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। और अंततः काफ़ी मशक्कत के बाद अब देख सकते हैं कि अब उन्हें इजाज़त मिली है विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने की। विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे, जाएंगे। कुल 9 लोग, 9 लोगों को जाने की अनुमति मिली है, 5 गाड़ी जा सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है। पल पल की अपडेट हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। देख सकते हैं आप तेजस्वी यादव की गाड़ी अब निकलने के लिए तैयार है। बैरिकेडिंग जो है उनके घर के सामने लगाई गई थी, वो हटा दी गई है। बैरिकेडिंग हट गई है, तो अब तेजस्वी यादव जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए। पल पल की अपडेट हेडलाइंस पर आपको दे रहा है बने हेडलाइंस के साथ।